दोस्तों हमेशा की तरह आप सबके लिए कुछ खास वीडियो लेके आया हूँ जो भक्ति वाला होगा और आप सबको हनुमान जी बहुत प्यारे हैं, तो उन्हीं हनुमान जी के कुछ कारनामे के बारे में मैं आपसे बताने वाला हूँ। और ये कारनामा सबसे अच्छा माना जाता है हनुमान जी के जीवन का, जो सुंदर कांड से लिया गया है। पुराने वाले रामायण में इस कहानी को हम देखते हैं तो काफ़ी मज़ा नहीं आता, लेकिन इस वाले संकट मोचन महाबली हनुमान नए एपिसोड में नए ज़माने का इसको अगर आप देखोगे तो काफ़ी मज़ा आएगा और लगेगा कि हनुमान जी ने क्या काम किया है। दोस्तों ये बात है उस समय की, रामायण के पार्ट से ही लिया गया है। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गया रहता है तो लक्ष्मण जी के लिए लक्ष्मण बूटी लाने जाते हैं संजीवनी बूटी हनुमान जी, तो उनके रास्ते में एक काल नेमी नामक राक्षस उनके रास्ते में रुकावट डालने के लिए पहुँचता है। उसका वध करते हैं हनुमान जी, और पिछले वाले रामायण में किस तरह से वध करते हैं वो तो हम सब ने देखा है, लेकिन इस वाले संकट मोचन महाबली हनुमान में कुछ नए तरीके से वध किया गया है और कुछ नए तरीके से इस कहानी को दिखाया गया है। इतना मज़ा आएगा कि आप सब भी देख सकते हैं। और एक बात और कि पिछले वाले हनुमान और इस वाले हनुमान की भी इसमें तुलना करेंगे हम कि कौन सा हनुमान बेहतर है, आप कमेंट करके आप बता सकते हैं। और उस वाले कहानी में और इस वाले कहानी में क्या फ़र्क है, कौन सा अच्छा लग रहा है, आप कमेंट करके बताइए। दोस्तों बात ये शुरुआत होती है कि जब रावण और श्री राम जी के सेना में इतना भयंकर युद्ध होता है कि मेघनाथ रावण का पुत्र रहता है जो बड़ा ही कुशल योद्धा है। भगवान श्री राम ने भी यह मान लिया था कि मेघनाथ काफ़ी कुशल योद्धा है, बहुत अच्छा योद्धा है, युद्ध करने में एकदम पराक्रमी है। और मेघनाथ ने इंद्र को भी जीत लिया था, तो मेघनाथ ने क्या किया, अपनी हार होते देख के उन्होंने ब्रह्मा जी का दिया हुआ वरदान के कारण ब्रह्मास्त्र का उपयोग करके लक्ष्मण जी सहित सारे राम जी के सारे सेना को मूर्छित कर देता है। इन्हीं मूर्छित योद्धा लक्ष्मण जी को बचाने के लिए वैद्यराज सुसैन के पास जाते हैं हनुमान जी और उन्हें घर सहित उठा के ले आते हैं। आप अपने दृश्य से देखोगे इस संकटमोचन महाबली हनुमान में जो कितना मज़ा आएगा, पहले की अपेक्षा इसमें कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव बनाया गया है इस सीरियल को। तो उठा के ले आते हैं, तब वैद्यराज सुसैन बताते हैं कि आप जाइए संजीवनी बूटी लाइए, और रात सुबह होने से पहले ही, तो सुबह होने से पहले ही हनुमान जी जाते हैं संजीवनी बूटी लाने। उनके रास्ते में रुकावट बन जाता है कालनेमी रावण का योद्धा, और उसके बाद रावण का योद्धा कालनेमी हनुमान जी को आज्ञा देते कि जाओ इस तालाब में स्नान करके आओ, उसके बाद मैं तुम्हें संजीवनी बूटी लेने में सहायता करूँगा। हनुमान जी उसके लालच में पड़ जाते हैं और जाते हैं नदी में स्नान करने। वहाँ पे उनको मगरमच्छ मिलता है जो हनुमान जी पे हमला कर देता है। उसके बाद हनुमान जी उसका मुंह फाड़ के फेंक देते हैं, उसमें से एक परी निकलती है जो हनुमान जी को बताती है कि यह साधु नहीं, यह राक्षस है, रावण का भेजा हुआ एक दूत है। और हनुमान जी उनका वध कर देते हैं, कालनेमी का वध कर देते हैं उसी के कालकूट विष को पिला के। और इस कहानी में एक ट्वीट और आता है कि रावण इतना अच्छा एक्टिंग करेगा, एकदम मज़ा आएगा आपको देखने में कि रावण इसमें कुछ अजीब ही है। तो रावण का अपने आप ब्राई करना, जो इसे हम बोल सकते हैं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, एक मुहावरा है। उसी प्रकार से रावण अपनी शक्तियों का बखान करते हैं और अपने 10 सिर को प्रकट कर देते हैं, वो भी सीन आपको देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। और रावण को जब यह पता चलता है कि ब्रह्मास्त्र के प्रहार से भी हनुमान बच गए हैं तो रावण के होश उड़ जाते हैं। उनको रावण को आभास हो जाता है कि हनुमान कोई साधारण मानव नहीं, जरूर कोई भगवान का ही रूप है, यानी उसे पता भी चल जाता है कि यह शिव का ही अवतार है। लेकिन फिर भी रावण तो इतना ज़िद्दी था, उसे भगवान श्री राम के हाथों ही मरना पसंद था, क्योंकि भाई इतना ज़िद्दी इसलिए रावण था कि भगवान विष्णु का ही श्राप था कि तुम मेरे 7 शत्रु घोर शत्रु बन के जन्म लोगे, जिसमें अंतिम अवतार था रावण का, 7वां अवतार था रावण का, जो काफ़ी ज़्यादा जिद्दी था रावण कि मैं आप ही के हाथ मरूंगा। और उसके बाद मरने के बाद रावण मोक्ष को प्राप्ति हो जाता है और फिर वापस भगवान श्री हरि विष्णु के पास चला जाता है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, काफ़ी मज़ा आएगा। 2 या 3 पार्ट में मैं इस वीडियो को दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में। और इसको देखने के लिए पहले सोनी TV ऐप आप डाउनलोड कीजिए और इस लिंक पे
क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आपको सोनी टीवी ऐप मिल जाएगा और वहाँ से आप देख सकते हैं। और कमेंट करके बताइए कि कितना मज़ा आया, पहले वाले रामायण अच्छा है या ये। वैसे तो हम सभी पहले वाले रामायण को ही मानते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, लेकिन इसमें इतना अच्छा तथ्य दिखाया गया है, काफ़ी अच्छे ढंग से बनाया गया है कि आप भी इसका फैन हो जाओगे, पूरा एपिसोड देखने बगैर मानोगे नहीं। तो पूरा एपिसोड देखने के लिए भी हमने इस अपने चैनल पर वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हो जाके। तो मिलते हैं कल फिर कोई खास वीडियो लेकर के, उसमें भी डिवोशनल वीडियो होगा।